Welcome students at Discovery International School and YCL YouTube channel. आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर. इस YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन को पुश करें सो दैट आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें. इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें जिससे आप लेटेस्ट बने रहेंगे. Myself सुनील कुमार, बोटनी फैकल्टी. पिछले वीडियो में हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था. द प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट द सेल डिवीजन, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन. थ्री टाइप ऑफ सेल डिवीजन होते हैं जिनमें से हमने एक पढ़ लिया था और अगला हम पढ़ेंगे आज. ओके, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन. देर आर थ्री टाइप ऑफ सेल डिवीजन. थ्री टाइप ऑफ सेल डिवीजन. मियोसिस के बारे में, अबाउट द मियोसिस वी विल स्टडी टुडे अबाउट द मियोसिस. लेट अस स्टार्ट. एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, तीन टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस. माइटोसिस के बारे में हम पढ़ चुके पहले ही. वी हैव स्टडी अबाउट द माइटोसिस. टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द मियोसिस. द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन. थ्री टाइप ऑफ सेल डिवीजन. नंबर वन, माइटोसिस. नंबर सेकेंड, मियोसिस. नंबर थर्ड, एमाइटोसिस. ओके, माइटोसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Strasburger. It was discovered by Strasburger and the term meiosis term given by Farmer and Murray. इसकी डिस्कवरी किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की. उसकी टर्म किसने दी? फार्मर एंड मुरे ने दी. और ये होता क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस. दैट मीन रिडक्टिव डिवीजन. इस टर्म के बारे में हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं. रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल. मतलब क्या है, समझिए मतलब क्या है. इसको रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, आप इस बात को अच्छे से थोड़ा सा समझ ले और आगे चलेंगे. फिर ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल, एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ ह्यूमन नोन एज ए डायप्लोइड सेल. ह्यूमन की हर डायप्लोइड सेल, सॉरी हर वेजिटेटिव सेल डायप्लोइड होती है. डायप्लोइड यानी कि इट हैज टू सेट ऑफ क्रोमोजोम. इट हैज टू
सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री, यानी कि एक सेट क्रोमोसोम में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने होंगे, 2n इज इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, इन मियोसिस रिडक्शन ऑफ दीज सेट और पेयर ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस एंड दिस रिडक्शनल डिवीजन फाउंड इनटू गोनेड्स। वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ गोनेड। गोनेड क्या होते हैं पहले समझिए, गोनेड्स आर गैमेट प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ एनी लिविंग बींग नोन एज गोनेड, यानी कि वो गोनेड कहलाते हैं, सेक्सुअल पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं गोनेड, जिनमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, मीनिंग नहीं होता है गैमेट प्रोडक्शन, यानी कि गैमेट्स जहां बनते हैं, जिस ऑर्गन में बनते हैं उनको क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं। और गोनेड्स में जो सेल्स होती हैं जिनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है उनको कहते हैं स्पोर मदर सेल और गैमेट मदर सेल। ये गैमेट्स बनाती हैं, इसलिए इनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है 2n इक्वल्स टू 46 ड्यू टू म्यूटिक डिवीजन देर आर टू सेल्स एंड देन ड्यू टू ईच ऑफ सेल टू सेल ऑल्सो टू डॉटर सेल्स ऑल्सो फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो लास्टली फोर सेल्स फॉर्मेशन आकर 46 क्रोमोसोम 2n में है तो इनमें होंगे 23 बिकॉज मियोसिस के कारण एक एक सेट एक एक क्रोम सेल में चला गया। अब ये सेल डिवीजन आगे टोटल कितनी सेल बनाती है, डॉटर सेल, फोर डॉटर सेल फॉर्मेशन आकर और ओरिजिनेशन ऑफ फोर हैप्लोइड सेल टेक प्लेस इनटू अ कंप्लीट मियोसिस। यू कैन सी हियर there are two time meiosis take place, meiosis first and meiosis second, you can see here, देख भी रहे हैं आप, meiosis first है और meiosis second है। meiosis first से एक mother cell से two daughter cell formation आकर and each of daughter cell further produce two नेक्स्ट डॉटर सेल्स, सो दे आर फोर हैप्लोइड सेल्स फॉर्मेशन अकर फोर डॉटर सेल्स फॉर्मेशन अकर इट इज नोन एज मियोसिस। समझ गए हैं आप, चलिए आगे चलते बेटा। मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस इनटू टू पार्ट, मियोसिस फर्स्ट एंड ए मियोसिस सेकेंड। आपने यहां देखा भी, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दो पार्ट में कंप्लीट होता है। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टाइप,
मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट क्या है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, देयर आर टू पार्ट ऑफ मियोसिस फाउंड इनटू सेल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट टेक अ लार्ज टाइम ड्यूरेशन देन मियोसिस सेकंड, बिकॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज अ वेरी ग्रेट टाइम अक्वायरिंग स्टेज। ओके, सो ऑल स्टेजेस विच आर फाउंड इनटू मियोसिस नोन एज मियोटिक फर्स्ट स्टेजेस। यू नो वेरी वेल देर आर फोर स्टेजेस, सब स्टेजेस। फाउंड फोर सब स्टेजेस फाउंड इनटू मियोसिस एंड माइटोसिस। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड वन एनाफेज एंड फोर्थ वन टेलोफेज। ओके, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट मियोसिस फर्स्ट, सो वी कैन राइट हियर प्रोफेज फर्स्ट। ऑल सब स्टेजेस रिलेटेड टू मियोसिस फर्स्ट आर नोन एज मियोसिस फर्स्ट। सो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। ओके, अब समझिए आप कि ये जो स्टेज है ये सबसे बड़ी स्टेज होती है मियोसिस सेल डिवीजन की, और मियोटिक सेल डिवीजन की सबसे बड़ी स्टेज होती है प्रोफेज। इन ह्यूमन बीइंग इट मे बी 13 टू 15 ईयर्स लॉन्ग, 13 टू 15 ईयर लॉन्ग हो सकती है। क्योंकि कब स्टार्ट हो जाती है बता दिया आपको, कौन से पार्ट में होता है, इनटू गोनेड्स ऑफ लिविंग बीइंग, आल्सो इनटू ह्यूमन गोनेड्स, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ गोनेड्स फाउंड इनटू ह्यूमन, ओवरी एंड टेस्टिस। इनटू ओवरी मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज ऑफ द फीमेल एम्ब्रियो एंड remain into suspended form up to 13 to 15 years। जब ये फीमेल और ये फीमेल बच्ची ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो जाती, पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट नहीं हो जाता है इसकी बर्थ के बाद, तब तक इसमें ये आगे नहीं रहता, चलता नहीं है, सस्पेंडेड फॉर्म में बना रहता है। ओके, प्रोफेज फेज हैज फाइव सब स्टेजेज। Five stages prophase first, shortage is ki LZPDD legit proper LZPDD, L stand for लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, जेड स्टैंड फॉर जाइगोटीन, पे स्टैंड फॉर पकाइटीन, डी डिप्लोटीन, फर्स्ट डी
एंड लास्ट डी डाइकाइनेसिस. ओके, तो दे आर फाइव स्टेजेस फाउंड इन टू प्रोफेज. फर्स्ट, सबसे बड़ी ये स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें पांच सब डिविजन, सब स्टेजेस होती है, सब डिवीजन हो सकती हैं. कह सकते हैं आप लेप्टोटीन, जायगोटीन, पकायटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट फर्स्ट टू लास्ट सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज. फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेप्टोटीन. ये एक सेल है, सिंपल सा है डायग्राम, सेल है, और इस सेल में ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इट इज क्रोमेटिन नेट, यू नो क्रोमेटिन नेट. सो ड्यूरिंग लेप्टोटीन कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस इनटू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिन नेट टेक प्लेस इनटू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विदाउट डिजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्रोमोसोम चेंज इनटू थिन स्ट्रक्चर्स. क्रोमोसोम चेंज इनटू थिन एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर. द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम found the longest chromosome found into this structure. Each of chromosome has some bead like structure, bead like structure. These bead like structures are known as chromomere. What are these chromomere? Very small bead like structure found on the all length of these chromosome. This the two part of chromosome known as chromatid with a central a dense condensed part of this chromosome. The central part of this chromosome is known as centromere. Centromere has two chromatid, one and second. Both chromatid of this chromosome localized to add centrosome. It is star like structure, you can see here on the board. Star like structure is known as centrosome. This centrosome remaining single up to this stage. All the chromatid of chromosome arranged toward the सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम की ओर अरेंज होती है. अब आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से क्या होता है, एक बुकी होता है, एक बकेट होता है. लाइक दिस गुलदस्ता जो गिफ्ट किया जाता है वैसी फॉर्म में होता है, इसलिए इसको कहते हैं बुकेट फॉर्म of the chromosome. Bouquet form of the chromosome, arrangement of the chromosome in the form of bouquet. Okay, this is structure known as leptotin or stage known as leptotin. In leptotin stage mein kya kya hota hai ek baar fir bol deta hu.
क्रोमेटिन नेट से। क्रोमेटिन नेट क्या होता है? गुलजा हुआ, एकदम से उलझा हुआ, गुथा हुआ, दैट मीन क्रोमेटिन नेट। इट इज फाउंड इनटू वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो कंडेंसिंग ऑफ क्रोमोजोम टेक प्लेस इनटू दिस स्टेज। डिसअपीयरिंग ऑफ न्यूक्लियोलस टेक प्लेस। ऑल क्रोमोजोम चेंज इनटू थिन एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर। द लेंथ ऑफ क्रोमोजोम इन दिस स्टेज फाउंड एज ए लॉन्गेस्ट फॉर्म। एट ईच ऑफ द क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोजोम सम बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड। ये मैंने सीधा करके बनाया है, लेकिन ये सीधा नहीं होता है, इस फॉर्म में होता है। द क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोजोम्स लोकलाइज टू द सेंट्रोसोम, सो इट इज नोन एज बकेट फॉर्म और बुकी फॉर्म। ओके, बुकी फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम फाउंड इन टू विच स्टेज ऑफ मियोसिस, यू कैन सी हियर लेप्टोटीन। ओके, नाउ सेकेंड नंबर जायगोटीन। इन जायगोटीन आफ्टर लेप्टोटीन, इन जायगोटीन ऑल जायगोट्स, सॉरी ऑल क्रोमोजोम्स विच आर फाउंड इनटू न्यूक्लियस आर स्टार्ट पेयरिंग। दैट मीन इट इज अनदर नेम ऑफ जायगोटीन इज पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम की कहा जा सकता है, ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है? यानी कि ये जो क्रोमोजोम होते हैं, ये होते कैसे हैं? ये क्रोमोजोम बोथ क्रोमोजोम ऑफ ए सिंगल पेयर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोजोम। क्या कहलाते हैं? होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम फ्रॉम मेल एंड सेकेंड फ्रॉम फीमेल, वी कैन से फादर एंड मदर। वन क्रोमोजोम कम्स फ्रॉम अ फादर एंड सेकेंड वन अनदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट और वी कैन से फ्रॉम अ मदर। तो In each of homologous chromosomal pair, there are two chromosomes found. Arrangement of both chromosomes take place with each other. This is known pairing of chromosome and synapses. Or, iska second name kya hai? Synapses. Synapses of chromosome, another name, pairing of chromosome take place into zygotene. 0.3% DNA synthesis. You know, I have explained already. Synthesis of DNA is known as replication. Synthesis of DNA known as replication, you know very well into your previous class. Synthesis of DNA take place into S phase of interphase, but a little amount of DNA synthesis take place into zygotene. Into which form? Zygotene. And the function of this DNA is a formation of
फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब ये पेयरिंग कर लेते हैं दोनों मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम, या हम यूँ कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, जिनमें से एक मेल से यानी कि फादर से और एक फीमेल यानी कि मदर से आया हुआ होता है, और ये पेयरिंग कर लेते हैं, और पेयरिंग करने के बाद इनकी ये जो पेयर होते हैं ये क्रोमोजोम जो होते हैं ये क्रोमोजोम आपस में चिपक जाते हैं इनटू इट्स लेंथ। दिस इज नोन साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स दिस 0.3% डीएनए सिंथेसिस आकर इनटू जाइगोटी। ओके एंड द नेक्स्ट सब स्टेज इज नोन एज पकाइटी। दोनों आप समझ गए, लेप्टोटेन बुकी फॉर्म और वी कैन से लॉन्गेस्ट थीनेस्ट क्रोमोजोम फाउंड ईच ऑफ क्रोमोजोम विद क्रोमोमियर, जायगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम विद ईच अदर, दिस इज नोन साइनेप्सिस एंड द पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज बाइवेलेंट। द पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज बाइवेलेंट। द थर्ड स्टेज सब स्टेज इज नोन एज पकाइटीन। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट द पकाइटीन। जायगोटीन के बाद में पकाइटीन सब स्टेज होती है, और इस स्टेज में क्या क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस जो होती है वो ध्यान से थोड़ा आप समझिए सीखिए। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स ईच ऑफ क्रोमोजोम ब्रेक डाउन इन इट्स लेंथ एंड फॉर्मेशन ऑफ फोर क्रोमेटिड अकर एट ईच ऑफ द क्रोमोजोम लाइक दिस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन टेट्रावेलेंट, सॉरी टेट्राड फॉर्म, टेट्राड फॉर्म। नेक्स्ट इट इज अनदर टाइप ऑफ क्रोमोजोम ऑफ होमोलोगस पेयर। इन पकाइटीन बोथ होमोलोगस क्रोमोजोम क्रोमेटिड ब्रेकिंग टेक प्लेस इन इट्स लेंथ, पूरी लेंथ में इसके क्रोमेटिड फट जाती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ फोर क्रोमेटिड टेक प्लेस इनटू दिस। ओके नाउ स्टिकिंग ऑफ दीज क्रोमेटिड टेक प्लेस विद ईच अदर, स्टिकिंग ऑफ क्रोमेटिड ऑफ दीज क्रोमोजोम टेक प्लेस जस्ट लाइक दिस। One of them second chromosome
आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दीज क्रोमोजोम क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोजोम ईच ऑफ क्रोमोजोम चेंज इंटू फोर क्रोमेटिड फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर टेक प्लेस इंटू पेकाइटिन दिस स्ट्रक्चर नोन एज काइजमेटा काइजमेटा दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक प्लेस इंटू पेकाइटिन बट इंटू डिस्टिंक्ट फॉर्म एंड वेरी गुड विजिबिलिटी फॉर्म इट इज फाउंड इंटू डायकानेसिस ओके डिप्लोटीन सॉरी डिप्लोटीन फॉर्म इन दिस प्रोसेस इंटू दिस स्टेजेस एक्सचेंजिंग ऑफ क्रोमेटिड पार्ट ऑफ बोथ होमोलोगस क्रोमोजोम्स टेक प्लेस दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रोमेटिड गोज अटैच विद टू दिस फर्स्ट एंड फर्स्ट ए फर्स्ट बी दोनों होमोलोगस पेयर है होमोलोगस पेयर की क्रोमोजोम है इसका आगे का ये पार्ट इस पे है चला जाता है और इसका ये पार्ट है वो इस क्रोमोजोम पे आ जाते हैं इट इज नोन एज एक्सचेंजिंग ऑफ क्रोमेटिड वी नो दैट एट ईच ऑफ द क्रोमेटिड जीन्स आर फाउंड एट ईच ऑफ क्रोमेटिड जीन्स आर फाउंड सो इट इज नोन एज जीन एक्सचेंजिंग इट इज ऑल्सो नोन एज जीन एक्सचेंजिंग व्हाट इज जीन एक्सचेंजिंग और क्रोमेटिड एक्सचेंजिंग दिस टर्म गिवन बाय एंड डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इंटू ड्रोसोफिला मेलेनो गेस्टर इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट फ्लाई ये जो जीन एक्सचेंजिंग है बेटा ये जीन एक्सचेंजिंग यहां पर किस में होती है ये दोनों की दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है ये दोनों की दोनों क्रोमेटिड ऑल्सो नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड ओके ऑन ईच ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड सेम टाइप ऑफ चार्ज फाउंड मान लीजिए दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों में चार्ज कैसा नेगेटिव है तो इनमें इनसे डिफरेंट होगा एंड यू नो दैट बिटवीन सेम चार्ज पार्टिकल रिपल्सन टेक प्लेस एंड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्शन टेक प्लेस ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दीज नॉन सिस्टर भाई ये जब आपस में दोनों क्या कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं तो ये क्या होंगे दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में आपस में अट्रैक्शन होता है ड्यू टू अट्रैक्शन दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन टेक प्लेस काइजमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड आफ्टर अटैचमेंट ब्रैकेज एंड रीयूनियन टेक प्लेस हियर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस काइजमेटा ब्रैकेज एंड रीयूनियन टेक प्लेस दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्रैकेज एंड रीयूनियन थ्योरी को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाइट हाउस मॉडल बाय द हेल्प ऑफ व्हाइट हाउस मॉडल इस प्रोसेस इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ओके ठीक
There are two type enzymes required here, endonuclease and ligase. Endonuclease enzyme used to break the terminal chromatid of each of the chromosome endonuclease, and ligase help to reunite them after exchanging. After exchanging, this part recorrected take place with this chromosome, and this part reconnection take place with this chromosome. Okay, it is known as gene exchanging or chromosomal chromatid exchanging. Okay, next. The next substage we can see here, after pachytin, leptotin, zygotin, pachytin complete hogi, diplotin is the substage next which occur. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जीन एक्सचेंजिंग. जीन एक्सचेंजिंग के बाद में ये यूं जुड़े रहते हैं अक्ष की फॉर्म में, यूं आगे की क्रोमेटिड इस प्रकार से जुड़ी रहती है. ये इस प्रकार की जो क्रोमेटिड जुड़ी रहती है वो डिप्लोटीन में, इंटो स्टेज ऑफ डिप्लोटीन the terminalization, that mean detaching of these attached chromatid starting take place. It is known terminalization. Detachment कैसे होता है, बाहर की ओर होता है, इसके terminal end की ओर होता है, इसलिए इसको कहते हैं terminalization. This is known terminalization. So mainly into diplotin. Visibility of guys meta take place. Okay, terminalization of chromatid occur. धीरे धीरे हटने शुरू हो जाती है, यानी कि काइजमेटा बनता कब है, बनता है ये तीसरी स्टेज में पैकाइटिन में, लेकिन पैकाइटिन में पैक होता है लेकिन डिप्लोटीन में अलग होता है. विजिबिलिटी इसकी डिप्लोटीन में होती है और अलग होने की प्रोसेस भी इसमें होती है. जीन एक्सचेंजिंग थर्ड स्टेज में होता है, बट इससे बना हुआ है जो काइजमेटा है ये डिप्लोटीन स्टेज में कंप्लीट होता है. द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज, फर्स्ट इज जाइकाइनेसिस, एंड द स्टेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन अकर. जब आपस में इस प्रकार से कुछ पार्ट्स एक्सचेंज हो गए, एक दूसरे की क्रोमेटिड एक्सचेंज हो गए, तो इसके बाद क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगेन आइसोलेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम फ्रॉम देयर होमोलोगस पेयर अकर. ओके, एंड क्रोमोजोम चेंज इनटू start changing into small and thick structure. This occur into dikinesis. Okay. आज के इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे. प्रोफेज फर्स्ट को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, इसके फाइव स्टेजेस में पढ़ लिया है. इसके बाद जो आगे के जो स्टेजेस हैं वो आपने जो माइटोसिस पढ़ा था उस माइटोसिस की लगभग इक्वलेंट है, थोड़ा बहुत थोड़ा डिफरेंस है मैं आपको बताते चलूँगा. ओके, so again I would like to explain to you that subscribe our channel
एंड पुश बेल आइकन फॉर अवर लेटेस्ट वीडियो और रिसीविंग द नोटिफिकेशन. ओके बाय.